ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। आज अखिलेश यादव अपने घोषणा पत्र में सबको सम्मान देने की बात कही है और उन्होंने BPED प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल के शिक्षकों और उर्दू के जो शिक्षक हैं, बेरोजगार समूह हैं, BTC हैं, बेरोजगार शिक्षक हैं, 108-102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता हैं, रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, MDM रसोईया हैं, आदि सभी की समस्याओं का निराकरण करने की बात उन्होंने घोषणा पत्र में अपने शामिल कर लिया है। इसके साथ ही वित्त विहीन स्कूल के शिक्षकों को 5,000 रुपए प्रतिमाह है, उनका मानदेय बढ़ाए जाने की भी बात अखिलेश यादव ने आज अपने मैनिफेस्टो को जारी करते हुए कही है। अपने घोषणा पत्र में इन बातों को शामिल भी किया है। आइए खुद अखिलेश यादव से सुनते हैं उन्होंने इन सभी को किस तरीके से सम्मान देने की बात कही है सपा सरकार बनने पर। आइए देखते हैं। BPED प्रशिक्षित शिक्षकों, अनुदेशकों, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षकों, उर्दू शिक्षकों, बेरोजगार समूह BTC, बेरोजगार शिक्षक, 108-102 एम्बुलेंस कार्यकर्ता, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, MDM रसोईया की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वित्तविहीन स्कूल शिक्षकों को 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।